राधे राधे गाइस, वेलकम टू अंदर TH11 अटैक स्ट्रेटजी वीडियो। तो कैसे आप सभी लोग, आपका फिर से स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो पे। आज की वीडियो हमारी है TH11 अटैक स्ट्रेटजी के ऊपर। इसमें आप लोगों को मतलब इतनी अच्छी आर्मी कि आप लाइक कोई से भी बेस को उड़ा सकते हो। आपको बेस देखना है एंड उसमें से आपको आर्मी डिसाइड करनी है, ये आर्मी इस बेस के लिए बेस्ट है। उस हिसाब से आप कोई से भी बेस को उड़ा सकते हो। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो पे। तो जो भी नया चैनल पे, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड जिसने भी सब्सक्राइब कर दिया तो बेल आइकन कॉल पे जरूर से जरूर सेलेक्ट रखना। अपन लोग स्ट्रीम भी करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को आ जाए। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज, आज की जो हमारी पहली आर्मी है वो है ड्रैगन प्लस लाइटनिंग। आपको कुछ नहीं करना, 3 लाइटनिंग से 1 एयर डिफेंस तोड़ना है, दूसरी लाइटनिंग से दूसरा एयर डिफेंस तोड़ना है, हीरो से आपको तीसरा एयर डिफेंस निकाल लेना है अपना इजीली, जैसे मैं निकाल रहा हूँ। एंड बाकी आपको आर्मी सेंटर में पुश करनी है। इक्विपमेंट आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। लावा आपका इसलिए काम आएगा क्योंकि वो बेट बनेगा आपका लावा, एंड SSB बेट बनेगा, तो उन चीज़ों को भी आपको जल्दी छोड़ देना है ताकि वो बेट करे। एंड आपको ध्यान रखना है कि आपको जो वार्डन है उस पर रेज जैम लगा रहे, एंड 2 रेज, 1 फ्रीज, दूसरा फ्रीज एंड 1 पॉइजन, मतलब ये आपकी आर्मी है। आर्मी तीनों लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके भी कॉपी कर सकते हो ईजिली। एंड आप लोग देख सकते हो मतलब ये इतनी पावरफुल आर्मी है। बस आपको बेस डिज़ाइन देखना है आपको किस टाइप का। लाइक इसमें देखो 4 एयर डिफेंस मेरे को बाहर मिल रहे थे, बट आपकी जो ड्रैगन है उनको अंदर पुश करना था मेरे को, तो पहले लाइटिंग से मैंने अपने एयर डिफेंस निकाल लिया। जो तीसरा एयर डिफेंस था वो मैंने हीरो से निकाल लिया, बाकी बेस में कुछ बचा नहीं था। बहुत ही सिंपल बेस है, इतना ईजिली ट्रिपल हुआ ये बेस। बस आप लोगों को देखना है आपको कौन से बेस पर कौन सी आर्मी यूज़ करनी है, उस हिसाब से आपने एक बार देखना सीख लिया कि आपको पता चल गया हाँ इस बेस में ये आर्मी से हो सकता है, तो आप कोई से भी बेस इजीली ट्रिपल कर सकते हो। बाकी आप लोग देख ही सकते हो मेरा 1 रेज, 2 फ्रीज एंड 1 पॉइजन, ये सारे स्पेल स्वैग हो गए थे इजीली। बस आप लोगों को देखना है कि जो आपकी आर्मी है वो किस टाइप से कौन से बेस पर काम करेगी। बस यही थी, इतनी सिंपल सी आपकी आर्मी थी। आप लोग इजीली मतलब तीनों आर्मी सीख जाओगे। अगर आप पूरी वीडियो देखते हो तो पूरी वीडियो एंड तक देखना। मिलते हैं आपसे अगली स्ट्रेटजी के ऊपर। सो गाइस, हमारी जो दूसरी आर्मी है वो है हाइब्रिड। आप लोग बोल रहे हो कि हाइब्रिड क्यों, क्योंकि हाइब्रिड ये TH11 की ऐसी आर्मी है जिससे आप मतलब कोई से भी बेस को क्रैक कर सकते हो। बस उस हिसाब से आपको बस बेस देखना है हाँ इसमें हाइब्रिड हो सकता है, आप उस बेस पर हाइब्रिड करो। आप लोग बोल रहे हो कि हाइब्रिड तो यार ईजी है, बट कुछ बंदे सोचते हैं उनसे ना क्वीन चार्ज नहीं होता। आप लोग को मेन हाइब्रिड में अपनी क्वीन बचा के रखनी है, पूरे बेस में अपनी क्वीन बच्चे नहीं रहनी चाहिए, मेन फोकस आपको क्वीन पे रखना है। और क्वीन के लिए जितना फनर क्रिएट करके आप अच्छी वैल्यू निकालने का ट्राई करोगे उतना बेस्ट है। लाइक आपकी जैसी क्वीन मर गई वैसी मतलब पूरी आर्मी खत्म है, इतना याद रखना। तो आपको अपनी क्वीन हमेशा बचा के रखनी है। आप भले कुछ भी करो, जितने रेज ला दो, जितने फ्रीज लेके आते हो वो सारे इन्वेस्ट कर दो, बस आपकी क्वीन बचनी चाहिए अटैक में। एंड जहाँ पे आपको देख लो, जहाँ पे मेरे को सबसे ज़्यादा वैल्यू मिली वो थी मेरे को ईगल कंपार्टमेंट लग रहा था, तो मैंने अपनी ईगल के लिए अपनी क्वीन को भेजा। क्वीन पे जितने स्पेल हो सकते उतने निकाल लो। एंड एक चीज़ इतना ध्यान रखना, आपको CC ल्योर कर लेनी है अटैक में। अगर आपकी CC ल्योर नहीं हुई तो यार मैं कुछ नहीं बोल सकता, पूरा अटैक फेल हो जाएगा। देख सकते हो आपने मतलब मैंने ईजिली ईगल वगैरह निकाला, CC को ल्योर करा, सारी CC मारी, कैंसर CC थी। एंड बात करी जाए, देखो अगर मेरे लेफ्ट साइड में ना क्वीन जा रही है, मेरी लेफ्ट साइड में अगर एक सिंगल होता तो मैं अपनी आर्मी लेफ्ट साइड से छोड़ता, और लेफ्ट साइड में अगर डैमेज भी होता ना थोड़ा सा तो मैं अपनी आर्मी लेफ्ट साइड छोड़ता, लेफ्ट साइड में कोई डैमेज नहीं बचा था, इसलिए मैंने अपनी आर्मी को राइट साइड छोड़ा, क्योंकि मेरी वहाँ पे क्वीन नहीं मरती लेफ्ट साइड में, इसलिए मैंने जो अपनी आर्मी थी वो राइट साइड में छोड़ी। मेरा वार्डन एयर रह गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीके से ट्रिपल हो गया था। मतलब यही है हाइब्रिड में, अगर आपने क्वीन बचा ली और उससे मतलब एकदम अच्छी वैल्यू ले ली क्वीन से, तो आपके कोई से भी बेस है ना, जितने भी बेस है आप उन बेसों को इजीली ट्रिपल कर पाओगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपकी क्वीन हमेशा सर्वाइव करनी चाहिए। अगर आपकी क्वीन मर गई ना मेन अटैक में, आपकी है क्वीन, अगर आपकी क्वीन ही मर जाती है तो आपकी पूरी आर्मी है जो वो मतलब अटैक ही फेल हो जाएगा। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है, फनर क्रिएट करनी है क्वीन को, जितनी जो फनर क्रिएट करने के लिए लाते हो वो सब यूज़ कर दो। ये नहीं कि भाई मैं आगे अटैक के लिए बचा लूँगा, बचा के क्या ही करोगे। सो जितनी फनर क्रिएट कर सकते हो उतना ट्राई करा करो फनर क्रिएट करने का।
बाकी तो आप लोग देख सकते हो इजिली ट्रिपल हो गया था, बस मेरा वार्डन एयर पे रह गया था। मिलते हैं आपसे थर्ड अटैक स्ट्रेटजी को। जो हमारी आज की लास्ट आर्मी है वो है सुपर आर्चर ब्लिम। आप बोलोगे सुपर आर्चर ब्लिम क्योंकि बहुत बंदे ना अपनी ब्लिम फेल कर देते हैं। मेरी स्ट्रीम पर भी बहुत बंदे बोलते हैं ब्लिम सुपर आर्चर ब्लिम अटैक करना कैसे है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ सुपर आर्चर ब्लिम आपको करना कैसे है। जो आप लोग एक सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हो, पहले आप ब्लिम फोड़ते हो, उसके बाद आप क्लोन करते हो, क्लोन कह रहे हो इनवी करते हो, पहले आपको इनवी देना है उसके बाद आपको ब्लिम खोलने, ताकि आपके जो ब्लिम पे वो मरे ना, जो आपके सुपर आर्चर्स वगैरह हैं वो मरे ना। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, पहले इनवी करनी है उसके बाद आपको ब्लिम छोड़नी है, फिर आपको दो क्लोन देके फिर जाके आपको रेज देना है। आप लोग एक और मिस्टेक करते हो, आप रेज दे देते हो एंड जो आपकी जो सीसी में आप लेके आते हो ना, एक और मिस्टेक करते हो, या आप सुपर गॉब्लिन डाल दोगे या आर्चर डाल दोगे। अगर आर्चर वगैरह आप डालते हो ना, तो इससे सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या होती है आप लोगों की, ये ना ये चीज़ें क्लोन हो जाती है, जो आपकी मेन आर्मी होती है सुपर आर्चर वो कम क्लोन होते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आपकी आर्चर्स वगैरह है वो ना लो सीसी में, भले वो खाली रहने दो बट उन चीज़ों को मत ही लो सीसी में, बेस्ट है। बाकी तो आप देख सकते हो आपको इक्विपमेंट में, मैंने तो जॉइंट इक्विपमेंट एंड फ्रोजन एरो यूज़ करा था, फ्रोजन एरो आई डोंट नो क्या नाम है मैं भूल चुका हूँ, बट आपको ये इक्विपमेंट यूज़ कर लेनी है। क्योंकि देखो अगर आप ना एक और मिस्टेक करते हो कि आप लास्ट टाइम पे ना किंग की एबिलिटी देते हो, तो वो उतनी वैल्यू नहीं निकाल पाता जो जॉइंट इक्विपमेंट की है। तो आप लोग को ध्यान देना है 40 या 50 एचपी में आपको किंग की एबिलिटी दे देनी है। एंड आप लोग देख सकते हो बेस इजीली क्रैक हो चुका है, कुछ ही नहीं बचा बेस में, मेरा तो ये वाला बेस बहुत इजीली हो गया है। आपको तीनों आर्मी में रेज जैम यूज़ करना है वार्डन के ऊपर, मैंने तीनों आर्मी में रेज जैम यूज़ करा है, आप लोग भी कर सकते हो, बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। आप लोग देख सकते हो मतलब इजीली बेस खत्म हो चुका है। सो गाइस जो भी नया आ रहा है हमारे चैनल पे मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो एक बार ना लाइक करके कमेंट कर देना, हाँ भाई वीडियो अच्छी लगी है, थैंक्स फॉर वॉचिंग आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखी। चलो गाइस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, राधे राधे।